हमारी सुनो न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं हमारी सुनो न्यूज चैनल। देखिए ये आगे की खास खबर। केंद्रीय गुरुद्वारा साहिब गोलीगुड़ा में महान गुरमत समागम कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया। सिख पंत सात संगत तेलंगाना के तत्वाधान में केंद्रीय गुरुद्वारा साहिब के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष तौर से ज्ञानी तरसेम सिंह मोहरन वाले ने अपने शब्द ज्ञान से संगत का मोह मन लिया। कार्यक्रम का संचालन सरदार जोगिंदर सिंह दुआ मंच सचिव द्वारा किया गया। देखिए आगे की ये रिपोर्ट। खालसा जी बड़े भागा वाला दिन है, वह दिहाड़ा जिसने मुर्दिया मर्द बनाया। सरदार जी यह जरा लक्ष्य है ना, यह कोई लाख करोड़ रुपया देके लकब नहीं लिया जा सकता। सरदारी का लकब ए रहमत ए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने कृपा की है। तो सिरां दे वटे सिर वटे भी सिखी मिल जाए सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं। और कलगी पर गुरु गोबिंद सिंह साहब गुरु गरीब नवाज पातशाह जी जेड़ी रहमत करते ने खालसा जी, जिन्हें हमें साडे तो पहला अति सत्कारयोग ओ महान संप्रदाय ओ महान महाराज जी का कार घर ओ महान दल पंथ है। और सतगुरु जी की मेहर के नाल इथे आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सारे समागम विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के पाठ और सतगुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज साहब जी की पवित्र रचना बाणी श्री दसम महाराज की बाणी के अखंड पाठ साहब जी आप जी ने करवाए ने, जो कि विशेष करके बाबा राम सिंह साहब जी ने आण के अखंड पाठ साहब नाल सिंघां नूं लै के ये तुहाडे प्यार नूं मुख रखदिआं अखंड पाठ साहब होए ने। ये छत्र छाया है श्री हजूर साहब जी की कि जिहड़ा ये दर्शन आप जी दे विचों महाराज के खालसा के स्वरूप का हो रहा है, ये महाराज साहब जी की बख्शिश है गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की। सतगुरु महाराज ने कृपा की है, जदों तो तुम चल के पंजाब तो इतने आए हो कोई फिर बनती है बहाना बनता है।
सतगुरु महाराज साहब कलगीधर पिता जी जो हजूर साहब आए ने ते जिन्नियां फौजां नाल आईयां ने जिन्हां दे अज परिवार उत्थे रह रहे ने वो सारे महाराज दा हजूरी खालसा होण दा उहनां नूं माण कि सतगुरां दी हजूरी विच आए ने ते ओह परिवार ने। इस तरह महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय इत्थे जदों जिहड़ा इत्थे महाराजा साहब दे पास उन्होंने सुनेहा भेजिया और इत्थे आण के गुरु के सिख वो खालसा स्वरूप सन जिहड़े चल के आए ते वो उही रूप स्वरूप जिहड़ा है वो खालसा स्वरूप होण दा अज साख्यात सारयां दे सामने है कि ये श्री हजूर महाराज साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की अपार कृपा है गुरु ग्रंथ साहब जी की जिहड़ा कि बाणी ते बाणी दे नाल आप जुड़े हो ते आपका यह दर्शन तदारा उस रूप स्वरूप में हो रहा है ते जिहड़ा आपदे वडेरे ते बाणी ते बाणे नूं लै के सतगुरु की बख्शिश नूं लै के जिहड़ा कि अज उस तरह ही आप जी उस महाराज की बख्शिश नूं बाणी ते बाणे नूं संभाल के अपने घर परिवारां विच ये बाणी बाणी नूं सांभिया है और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी दसम महाराज की बाणी का आप जाप नाल करदे हो। ये महाराज की बख्शिश है क्योंकि ये शक्ति है महाराज ने जो अमृत विच बख्शी है। ये शक्ति महाराज साहब जी ने अमृत जो बख्शिश कीती है जिथे भी कोई गुरु नानक नाम लेवा गुरु का सिख है चाहे कोई देश में है चाहे कोई विदेश में है जेडे गुरु की मर्यादा दे नाल जुड़े ने जिन्हें पंजा प्यारियां को अमृत छकिया है वो गुरु के पंथ में शामिल है। इस करके अमृत छकना अत्यंत जरूरी है। जो भी गुरु नानक नाम लेवा सिख अखवाण वाला माई भाई है ते सतगुरां ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों ने जोड़िया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अपार कृपा की है। तो श्री हजूर साहब महाराज साहब जी की अपार कृपा है कि सारे संसार भर में वो महिमा खालसे की सतगुरु महाराज साहब जी ने जो जुग जुग अटल बख्शिश की है वो